मैं कहूँगा मुझे इजिप्ट में ना सबसे ज़्यादा अच्छा पिरामिड लगा, ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी नील लगी, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे यहाँ के लोग लगे। शीशे से कराए, क्या बात है देवदास, देवदास ओ ये बहुत अच्छा गा रहे हो। शीशे से कराए हो री हो अंगना, तो मेरा खाना अब हो चुका है और मैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, प्लान था मेरा नूबियन विलेज को एक्सप्लोर करने का, तो अब मैं जा रहा हूँ नूबियन विलेज के लिए और मुझे पिकअप करने के लिए आए हैं मोहम्मद उसामा। उसामा मेरे होस्ट थे यहाँ पर, तो वो मुझे बाहर मिलेंगे। मैं जाता हूँ, उनको ढूंढता हूँ एंड फिर आपके साथ कैचअप करता हूँ। तो ये एक दूसरी शिप है, बेसिकली जो पियर है उससे हमारी शिप दूर है, तो उसके बीच में ये वाली शिप है, इससे क्रॉस करके जाना पड़ता है। पता नहीं पियर बोलते हैं, जेट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। ये है मोहम्मद उसामा, क्या है उनसे मिलने के लिए। हाय, थैंक यू। यार यही थोड़ी सी दिक्कत है, लोग बहुत ज्यादा हट चल करते, पीछे पीछे चल देते हैं। उसामा है तो आई एम रिलैक्स, थैंक्स, अदरवाइज इट्स रियली डिफिकल्ट हियर, यू नो। लिव्ड इन दिल्ली। यू लिव्ड इन दिल्ली? Really? Where exactly did you live? I lived in Vikaspuri. Vikaspuri? Oh, awesome. And when exactly? In 2017, between July and August. Oh, so you were there as a traveler or? Yeah, traveler and internship. Internship? Yeah. With which company? My company was located in Noida. Oh, Noida. I had to commute by metro from Delhi to Noida. It's quite far, but yes, really good. Yeah. Oh, okay. So that was in tourism as well. No, it was in information technology and software company. Oh, okay. So, I forgot to introduce myself. Yes. Mera naam Nunu and I live in Asha. Wow. And welcome to my city. Aap India ko pasand karte hain? Aap? Ye jo shehar hai, Aswan, ये इजिप्ट का तीसरा सबसे बड़ा शहर है आफ्टर कायरो ऑफ कोर्स नंबर वन, फिर अलेक्जेंड्रिया और आसवान। एंड इसकी पॉपुलेशन लगभग 1.2 मिलियन है, यानी कि करीब करीब 12 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, तो बहुत बड़ा नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिलेटिवली छोटा ही है, बट इजिप्ट में ये सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा शहर है। उसामा भाई मानसून में आए थे वहाँ पर इंडिया में 2017 में, और बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी मानसून से वहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ भाई, वहाँ पे ऐसे ही होता है, जब बारिश होती है तो हालत ख़राब हो जाती है, सबकी अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। अब खैर, यहाँ पे आज बहुत गर्मी है और हम यहाँ बैठ गए हैं, ये भैया है, भरेंगे अच्छे से, जब तक भरेंगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं। उसामा को कुछ काम है वहाँ पे एक होटल में, दो तीन घंटे उनको लगेंगे, तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको एक नूबियन
विलेज की मेन मार्केट में छोड़ दूंगा और वहाँ से वहीं पे उसी विलेज में मेरे को एक होटल में काम है, तो फिर आप देख लेना, घूम लेना, लोगों से आप पूछ सकते हो कि मैं आपके घर में आ सकता हूँ। ज़्यादातर सभी घरों में सिमिलर ही माहौल होता है, और थोड़ा सा कुछ टिप्स वगैरह देनी होते हैं, पूछ लूँगा कितना देना सही होगा प्रोबेबली, और फिर वो आपको वही सब जो भी कोकोडाइल वगैरह वही उनका मेन रहता है वो दिखा देंगे, एंड देन फिर ये फ्री हो जाएंगे तो फिर हम वापस साथ में आ सकते हैं। अगर मैं पहले फ्री हो जाऊँगा तो मैं फिर इनसे पूछ के ही कैसे आना है, मैं आ जाऊँगा, देखता हूँ कैसे होता है। बट अगर ये चले जाएंगे तो मेरे लिए डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट होंगे, कुछ ग्रुप्स भी होंगे, तो आप वो ज्वाइन मतलब उनके साथ आप वॉक करोगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को ढूंढना। यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ये आसफान डैम है जिसके ऊपर से अभी हम आए हैं, और ये बेसिकली उसका रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर के कारण यहाँ पर बहुत सारा जो पोर्शन है वो डूब गया है ऑफ कोर्स, जिसके साथ यहाँ पे बहुत सारे टूम्स थे उस ज़माने के, एंशिएंट इजिप्शियन टाइम्स के, वो कई पहाड़ों में थे जो डिस्कवर हुए ही नहीं थे अभी तक। माना जाता है उनसे ज़्यादातर डूब चुके हैं, कुछ ही टूम्स हैं जो बचे हुए हैं जो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है, जो मैंने दिखाया था शायद क्रूज से आपने देखा होगा, तो वो एक साइट है देखने वाली। फिलहाल हम रास्ते में थे नुबियन विलेज जाने के, तो यार यहाँ पे वही है कि मैं तो लोकल बंदे के साथ हूँ, ओसामा के साथ हूँ, तो मेरी हिम्मत है, नहीं तो मैं यहाँ रियली शूट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है शूट। क्या बैकपैक करना भी यहाँ पे तो इतना आसान नहीं है, मतलब अनलेस आप ऑर्गेनाइज टूर पे आ रहे हो तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, बट खैर वो मेरा तरीका ही नहीं है, मैं तो हूँ ही ऑन द रोड ट्रैवलर, एंड लाइफ का पता ही जब आप सड़क पे चलते हो तभी पता लगता है कि वहाँ क्या चैलेंजेस हैं, क्या अच्छाई हैं। एनीवेज मैं बाद में बताऊँगा वो सब के बारे में। हम लोग अभी यहाँ पर बीच में हमने हॉल्ट लिया है, ये कूली करके एक होटल है, इसी के थोड़ा सा आगे जाके नुबियन विलेज है, तो ओसामा को यहीं पे ही काम था, तो मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, अकेले मेरे जाने की इच्छा नहीं हो रही, तो आप अपना काम कर लो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शूट भी कर लूँगा, थोड़ी सी बातचीत भी कर लूँगा, और ये बड़ा सुंदर सा होटल है, तो मैं पहले तो होटल दिखाता हूँ, फिर बाकी बाद की कहानी मैं बाद में ही बताता हूँ। थैंक यू। So, ये ओनर है। हेलो, थैंक यू। वेलकम सर, नाइस टू सी यू हियर इन आसवान। वेलकम एनी टाइम, फीलिंग आउट फ्रॉम वेलकम। यू आर फ्रॉम आसवान इटसेल्फ? यस, या ओके, एंड यू सेड यू बीन टू इंडिया? या या, लॉन्ग मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स टू इंडिया, विद सिटीज, इवन आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इंडिया। फ्रॉम व्हिच प्लेस? There is some from Calcutta or from Kerala. Oh, yeah. Okay. Yeah. आपको हिंदी भी आती है आपने कहा था? थोड़ा अरे very good. नाम क्या है आपका? समीर दाऊद। समीर, तो आप इंडिया में रहे भी है क्या? Yeah. No, water would be good enough for me. Nubian tea. Nubian tea? Yeah. Okay, I'll definitely try. Thank you. Cannot forget. Really? Okay, I'll go with that. You know Nubian tea? No. Nubian tea is Dudhwala. Dudhwali? Yeah. Oh, okay. Like Indian chai. Yeah, absolutely. Yeah. Done. आप इंडिया में कहाँ पे रहे हैं समीर? इंडिया में कहाँ पे रहे हैं आप? I go one time to enjoy. To? Enjoy. Only one time to India? No. One time for enjoy. Other times for business. क्या बड़ा कलरफुल, बहुत सुंदर सा होटल है यार। This is a single room. Okay. ये रूम तो बड़ा सा है। तो रास्ते में क्या हुआ था? रास्ते में बड़ा नाटक हुआ। मैं शूट कर रहा था और वहाँ पे कुछ लेडीज पीछे बैठी हुई थी, तो वो ऑब्जेक्ट करने लगी। मुझे लगा पहले कि शायद मतलब कहीं वो पीछे
आ गई होंगी तो उन्हें लग रहा है कि हमारा फोटो क्यों दिखा दिया वगैरह वगैरह। तो बट बहुत देर तक वो कुछ कहती नहीं अरबिक में ओसामा से, तो मैं चुप रहा एकदम। मैंने कहा यही होगा, मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तो फिर जब थोड़ा आर्ग्यूमेंट शांत हो गया, ओसामा अपनी तरफ से जो भी उन्हें बोलना था वो मेरे सपोर्ट में बोलते रहे। फिर फाइनली मैंने उनसे जब शांत हो गया सारा आर्ग्यूमेंट, तब पूछा कि भाई एक्चुअल किस्सा क्या था, क्या बोल रही थी वो। तो वो कहते कि भाई ये कैमरे पे, क्योंकि मैं हम लोग उस समय कच्चे रास्ते से जा रहे थे, मतलब डर्ट रोड थी वो, पक्का रास्ता नहीं था, तो मैं वो भी कैप्चर कर रहा था। मैं मेरे ब्लॉग करने का पर्पज़ केवल यही है कि जो मैं देखता हूँ एज इट इज़ वो आप लोगों को भी दिखा सकूँ। एंड जो है वो मतलब अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है ऑन द जर्नी। एंड बुरा भी क्या, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि आमिर खान का डायलॉग है, अगर दाग है तो छुपाएं क्यों हम, सच से नजरें हटाएं क्यों। तो बस यही है, मतलब जो मैं देखता हूँ आपको दिखा देता हूँ। तो उन वो ऑब्जेक्ट करी थी कि हमारे देश का मतलब गड़बड़ क्यों दिखा रहे हो, गंदी चीज़ क्यों दिखा रहे हो, जो चीज़ बढ़िया नहीं है वो क्यों दिखा रहे हो, मतलब क्यों कवर कर रहे हो। तो खैर ओसामा ने बहुत अच्छे से उनको जो जवाब देना था दे दिया और मैंने कैमरा बंद कर दिया। फिर इतने में क्या हुआ कि वहाँ पर हम एक पुलिस चेक पोस्ट पे पहुँचे। यहाँ भी मतलब कायरो नहीं है ये, फिर भी यहाँ पर इतनी पुलिस है हर जगह पे। मुझे लगा शायद डैम है इसके लिए, डैम सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, बट यहाँ हर जगह पे ही है चेक पॉइंट्स। तो खैर जो हमारा ड्राइवर था वो भी बड़ा मस्त मौला आदमी था, चेक पॉइंट पर उसको बोला रुक जाओ, वो साइड में से निकालने लग गया। तो पुलिस वालों को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि आ जाओ तुम, हम धरते हैं तुमको। तो पकड़ लिया उसको और खूब मतलब मारा कुटाई हुई और गाली गलौची, पता नहीं क्या अरबिक में चल रहा था। कम से कम घंटा बर्बाद हुआ होगा, मतलब एक तो रास्ता जो था वो इतना लंबा तो नहीं था, 2-3 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से, उसमें बहुत टाइम लगा। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने इतना समय बर्बाद किया वहाँ पर गाली गलौच और मार पिटाई में, उसको साइड में ले गए और 1 किलोमीटर कहीं पुलिस थाने चौकी टाइप में, वहाँ पे भी ड्रामा चला। एंड मुझे ऑल दिस फाइल ही लग रहा था कि ये जो है कभी मेरे को एज अ फॉरेनर हो तो, अगेन लुक से मैं यहाँ पे पहचाना नहीं जाता हूँ एज अ फॉरेनर, बट अगर होता तो वो डेफिनेटली फिर वही होता, वो खुलवाते, फिर वो कुछ नाटक होता कि ये दिखाओ वो दिखाओ रिकॉर्डिंग, फिर ये होता कि भैया आप कुछ पैसे दो या मतलब कुछ और नाटक होगा, डिलीट करो ये वो ये वो। तो मतलब इतना गिवअप हो जाता है ना ये सब चीज़ों से, सही में ये समझ में नहीं आता इतनी सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी किसकी हो रही है, मतलब रेजिडेंट्स की, सिटीजन्स की कंट्री के, वो तो बेचारे परेशान ही हो रहे हैं। बट सीरियसली मेरे को यहाँ बिल्कुल नहीं समझ में आया कि स्टेट इज बेसिकली पुलिसिंग दी सिटीजन्स ऑल द टाइम्स एंड टू मच, पता नहीं ये मेरे को तो हजम नहीं हुआ। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में बताना ज़रूर मुझे, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँगा। बट यार मतलब उस पार्ट को छोड़ देना अगर, तो लोग मतलब बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं कहूँगा मुझे इजिप्ट में ना सबसे ज़्यादा अच्छा पिरामिड लगा, ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी नील लगी, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे यहाँ के लोग लगे। मतलब इतना वार्म हार्टेड रिसेप्शन मिलता है ना हर जगह, जानते भी नहीं लोग। अब ये बताइए कहाँ जानते हैं मुझे देखेंगे भी नहीं दोबारा कभी। बट चाय पिला रहे मुझको, वो भी इंडिया वाली दूध वाली चाय, दूध वाली चाय आ गई। यू शुड हैव आल्सो विद मी नाउ। सही है, मतलब चाय देख के ही मजा आ गया एकदम। एंड यही हॉस्पिटैलिटी, मतलब अच्छे लोग, बुरा एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। समीर से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा, आई रियली रियली एंजॉयड मीटिंग यू, लाइक ऑनेस्टली। कभी मिल नहीं रहा, ओसामा इज बिजी, तो मुझे इसी से ही जाना होगा अभी। तो इस पे ऐसे करके, अरे भैया रुक जाओ, ऐसे करके चढ़ जाते हैं भैया। चोरी चुपके चुपके